हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे दिसंबर में, उसके टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। आप जानते हैं हमारी डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है, नहीं जानते तो इस वीडियो में आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके एग्ज़ाम किस किस डेट को होंगे। तो देख सकते हैं आप www.du.ac.in डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2020 लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, एग्जामिनेशन डेट शीट। तो सभी जो हमारी डेट शीट है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन, उसी पर हमें क्लिक करना है, टेंटेटिव डेट शीट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 इन OBE ब्लेंडेड मोड। तो यह जो हमारे एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से होंगे, क्योंकि आप जानते हैं COVID-19 के चलते सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं। तो इस एग्ज़ाम को भी दोनों मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब ये CBCS जो सिस्टम आया है आपका, उसके लिए सबसे पहले हमें डेट शीट दी गई है कि जिन बच्चों ने एडमिशन 2019 में लिया था उनके लिए ये डेट शीट है। तो BA होनर्स सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड इसलिए, आप जानते हैं दिसंबर में जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो थर्ड सेमेस्टर के होंगे, बट जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में ER आया है या उन बच्चों ने अपने रिजल्ट को इम्प्रूव के लिए फॉर्म फिल किया था, तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर के साथ ही देंगे। तो इसीलिए ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं। तो जो भी आपका कोर्स है आप वो देख सकते हैं, उसी पर क्लिक कीजिए, आपके सामने डेट शीट ओपन हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके सामने BA प्रोग्राम की डेट शीट ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने BA प्रोग्राम पर क्लिक किया, तो BA प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आया। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने PDF ओपन हो चुकी है। तो ये टेंटेटिव है, मैं इसे चेंज हो सकती है, बट 95% अभी ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ 5% चांस है इसके चेंज होने के। तो अभी आप यही मान के चलेंगे 12 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं। तो ये देख सकते हैं PDF आपके टाइमिंग दी गई है 2:30, मीन्स 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये गाइडलाइन दी गई है हमें एग्ज़ाम की, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट सेमेस्टर यूनिक पेपर कोड डिस्क्रिप्शन। तो ये सबसे पहला जो आपका पेपर है वो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का है, SEC। आपने जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट चूज किया होगा अपने एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो वो आपका एग्ज़ाम होगा 12 दिसंबर को। डे आपका सैटरडे का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबिक भी है सब्जेक्ट, डिज़ाइनिंग भी है, बंगाली, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फ्रेंच, फंक्शनल हिंदी, फूड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिस्ट्री फर्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली इम्प्रूवमेंट। ये सारे सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपने एक चूज किया है तो उसका आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे सामने SEC के हैं, तो ये आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 13 दिसंबर को संडे का डे है, तो संडे को भी छुट्टी नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो SEC के ही ये कुछ और सब्जेक्ट हैं, यह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने यह चूज़ किए होंगे, तो उन बच्चों के ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं सब्जेक्ट और डेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 14 दिसंबर मंडे, तो मंडे को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी SEC का होगा। तो SEC के कोई और अदर सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज हैं कि एक दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब उसके बाद 14 दिसंबर को भी हमारा SEC का ही एग्ज़ाम होगा। देन उसके बाद 16 दिसंबर आता है वेडनेसडे को, तो वेनसडे वाले दिन 16 दिसंबर को हमारा डिसिप्लिन कोर्स फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। जो भी आपने डिसिप्लिन कोर्स चूज़ किया होगा तो उसका एग्ज़ाम है। आप जानते हैं डिसिप्लिन में अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल या हिस्ट्री या फिर एजुकेशन, तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के नेम हमें दिए गए हैं,
तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने पहले चूज किया था डिसिप्लिन वन में, आपने सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू में दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उनमें से एक का एग्जाम आपका 16 ऑफ दिसंबर को होगा। देन उसके बाद 16 ऑफ दिसंबर को या हमें और सब्जेक्ट दिए गए हैं, देन 17 ऑफ दिसंबर को थर्सडे को हमारा डिसिप्लिन सेकंड का एग्जाम होगा। तो डिसिप्लिन सेकंड जो आपका कोर्स है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसका एग्जाम आपको 17 ऑफ दिसंबर को देना होगा। अब 19 ऑफ दिसंबर को भी आप सेकंड सेमेस्टर सेकंड डिसिप्लिन कोर्स का सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं जो जो आपने चूज किया है उनमें से जो भी आपका इस डे में पढ़ता है, तो उस दिन आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद 19 ऑफ दिसंबर को भी ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपका है जिस डेट को है आपको उसी डेट को अपना एग्जाम देना होगा। अब उसके बाद हमारा आता है, ये भी डिसिप्लिन सेकंड के ही हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यह आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड था उसमें आपका टोटल 4 सब्जेक्ट थे, बट हमने यहाँ डिस्कस किया सिर्फ 3 सब्जेक्ट, SEC, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2। अब हमारा फोर्थ कोर्स बचता है स्किल इन्हेंसमेंट एबिलिटी का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए अलग से एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने PDF ओपन होती है। इसमें हमें स्किल इन्हेंसमेंट का बताया गया है, जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है AECC, तो उसकी डेट शीट हमें बताई गई है 18 दिसंबर फ्राइडे से हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें भी सारे सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं जो भी आपने AECC में चूज किए हैं। फिर उर्दू, संस्कृत और पंजाबी बहुत सारे हमें दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें यहाँ दी गई हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने जो भी लैंग्वेज चूज की है वो उसका एग्ज़ाम उसी 18 दिसंबर को दे सकता है। तो इसकी भी टाइमिंग 2:30 है, मीन्स 2:30 बजे ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई हो डेट शीट किस तरह से दी गई है। तो अगर आप किसी और कोर्स को कर रहे हैं, BA प्रोग्राम को छोड़ के BA होनर्स कर रहे हैं या BCom होनर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसी पर क्लिक करके आप अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एडमिशन ऑफ 2015, 16, 17 एंड 18। तो 2019 से पहले जिन भी बच्चों ने DU में एडमिशन लिया था उन सभी के लिए यहाँ पर हमें डेट शीट बताई गई है। तो मैं जो सेकंड ईयर कर रहे हैं या फिर थर्ड ईयर कर रहे हैं, तो उन बच्चों की यह डेट शीट है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी जो डेट शीट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, एडमिशन की डेट शीट आ चुकी है, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, सिर्फ स्टडी ही बाकी रह गई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जिन बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।